आखिर फोन पर सबसे पहले हेलो ही क्यों बोलते हैं? और एक छोटा बच्चा जन्म लेते ही एक साल का कैसे हो गया? और क्या आपको पता है बिस्किट के ऊपर ये सेध क्यों होते हैं? और अगर भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है तो क्या है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10, गाइस क्या आप जानते हैं गूगल का नाम गलती से गूगल हो गया था, मतलब गूगल का नाम पहले गूगल नहीं था। हाँ गाइस, आपने सही सुना, एक्चुअल में गूगल का सीईओ सुंदर पचाई गूगल का नाम गूगल रखना चाहता था, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक से गूगल से गूगल हो गया। फैक्ट नंबर 9, गाइस दुनिया में एक ऐसा देश है अगर उसमें कोई बच्चा अभी जन्म लेता है तो उसे अभी से एक साल का माना जाता है, और ऐसा इसलिए है कि वहां के लोग सोचते है कोई भी बच्चा जन्म लेने से पहले वो अपनी माँ के पेट पर लगभग 11 महीना रहते हैं, इसी वजह से जन्म लेते ही उसे एक साल का माना जाता है। फैक्ट नंबर 8, गाइस क्या आप जानते हैं दुनिया के पहला मूवी कौन सी है? अगर बात करें दुनिया के पहला मूवी के बारे में तो वो मूवी बहुत ही छोटा था, यानी कि कुछ ही सेकंड का मूवी था, और उस मूवी को बनाया गया था 1888 में, और उस मूवी का नाम है राउंड है गार्डन सीन। फैक्ट नंबर 7, शायद आप लोग जानते होंगे मार्वल के कुछ मूवी में ग्रूट नाम का एक कैरेक्टर है जो हर बात में आई एम ग्रूट बोलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस आवाज को हॉलीवुड के एक्टर बीम डिजल्व ने दिया है, और सिर्फ आई एम ग्रूट बोलने के लिए बीम डिजल्व को 400 करोड़ रुपए मिले हैं। वाह भाई कमाल है, इनके लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 6, गाइस क्या आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय लैंग्वेज हिंदी नहीं है, बल्कि भारत का राष्ट्रीय लैंग्वेज है ही नहीं, लेकिन गाइस फिर भी भारत में 22 लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है, लेकिन इनमें से किसी भी लैंग्वेज को भारत का राष्ट्रीय लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। फैक्ट नंबर 5, गाइस आप लोग जो ये तस्वीर देख रहे हो ये कोई शहर या गांव नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, और इस कब्रिस्तान में 50 लाख से भी ज्यादा मुर्दे दफन है, और इस जगह को पीस वैली के नाम से जाना जाता है, और ये जगह इराक में अवस्थित है। फैक्ट नंबर 4, बिस्किट में ये सेध आखिर क्यों होते हैं? बहुत सारे लोग सोचते हैं बिस्किट में ये सेध सिर्फ डिजाइन के लिए होते हैं, बट ये गलत है। बिस्किट में सेध होने के पीछे बहुत सारे इम्पोर्टेंट वजह है। दरअसल बिस्किट में ये सेध जानबूझकर फैक्ट्री में लगाया जाता है ताकि ये पकने के बाद सारे बिस्किट का शेप बिल्कुल सेम रहे, क्योंकि इन्हें पैक करने के बाद ये एयर बबल की तरह फूलने लगते हैं, और अगर इनमें सेध नहीं होता है तो ये फट जाता है। फैक्ट नंबर 3, गाइस क्या आप लोगों को लगता है 825 लोगों से एक देश बन सकती है? हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक ऐसा देश है जहाँ पर सिर्फ 825 लोग हैं और उस देश में एक भी मुसलमान नहीं है। हाँ दोस्तों, उस देश का नाम है वेटिकन सिटी, और इस देश को दुनिया के सबसे छोटा देश भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं फोन पर सबसे पहले हेलो ही क्यों बोलते हैं? हम चाहे फोन रिसीव करें या कॉल करें, हम फोन पर सबसे पहले हेलो वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं हेलो किसी का नाम है, जी हाँ ये नाम था महान साइंटिस्ट ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड की, जिनका नाम मार्गरेट हेलो था, और ग्राहम बेल प्यार से इन्हें हेलो बुलाते थे, और आप लोग जानते ही होंगे कि ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, और वो जब भी अपने गर्लफ्रेंड को फोन करते तो सबसे पहले हेलो बोलते थे, और तब से ये वर्ड चालू हो गया था फोन पर सबसे पहले हेलो बोलना। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं ताजमहल को बनाने में कितना मजदूर लगे थे? जानते हो तो कमेंट में बोल के जाओ। दोस्तों वैसे आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।